बनाने वाले हैं ट्रेंडिंग रैप्स, मगर ये मैंने एकदम देसी स्टाइल में बनाया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो गेहूं का हमारा रेगुलर आटा होता है उसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसके मैंने इस तरह से बड़ी सी रोटी बना ली है और उसको कच्चा पका मैंने शेक लिया है। तो इस तरह से उसको बीच में से आधा कट हम लगा देंगे और उसके ऊपर हम सॉस और जो मेयोनीज होती है वो दोनों ही इसके ऊपर हम लगा देंगे। अगर आप इसमें ग्रीन चटनी है फुदीने और धनिया वाली वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और ये जो हमारा रैप है ये बहुत ही हेल्थी है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही वेजिटेबल्स और जो हेल्थी सभी चीज़ें हैं उसका यूज़ किया है। तो ये मैंने स्प्राउट लिए हैं जिसको कि मैंने एक विसल लगाकर पका लिया था और फिर उसमें सारे मसाले मैंने कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके बदले चने भी ले सकते हैं और उसको भी मैश करके इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आलू है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे सैलड्स ले लिए हैं, टमाटर लिए हैं, ऑनियन ली है, ककड़ी ली है, आप चाहें तो लंबी लंबी काट कर कैबेज भी इसमें डाल सकते हैं। और ये जो रैप्स है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और उसके ऊपर मैंने ये जो मिक्स अभी उसका मसाला थोड़ा सा डाल दिया है तो उसमें ये जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, या फिर इस तरह से आप घर में ही जो तवा है उस पर इसको घी या बटर से अच्छी तरह से शेक लीजिए। आप चाहे तो इसमें जो भी आपका पसंदगी का फीलिंग हो वो डाल सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे रैप्स है वो अभी बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी हमें शेकना है ताकि जब हम इसे खाएं तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़िया लगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।